हिडन टैक्स एंड इट्स यूजेस। आज के इस वीडियो में हम हिडन टैक्स या हिडन फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हिडन फील्ड जो है वो बेसिकली वेब डेवलपर को अलाउ करता है कि वो डाटा और इंफॉर्मेशन जो है अपने फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर सके, वो इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी ए सीन और मॉडिफाइड बाय द यूज़र। और जब फॉर्म सबमिट हो वो डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर को सेंड हो। हिडन फील्ड ऑफन स्टोर व्हाट डेटाबेस रिकॉर्डेड दैट नीड टू बी अपडेटेड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। नॉर्मली डेटाबेस को रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और जब फॉर्म सबमिट होता है। द यूजफुलनेस ऑफ दिस फॉर्म कंट्रोल इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस टू द न्यू यूज़र। इसका बेनिफिट या एडवांटेज जो है वो नए यूज़र के लिए इतना अंडरस्टैंड या क्लियर ना हो। बेसिकली हिडन फील्ड विल बी अ मोर यूजफुल एंड एडवांटेज टू यूज विद मल्टी स्टेप या मल्टीपल फॉर्म्स हों उसके लिए हिडन फील्ड जो है बड़ा यूजफुल है। वी कैन यूज़ हिडन फील्ड, हम हिडन फील्ड को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप्स में जो है वो पास कर सकते हैं यूजिंग ए हिडन फील्ड और कीप इट फॉरवर्डिंग टिल लास्ट स्टेप तक हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करते हैं हिडन फील्ड के थ्रू। तो दैट इज़ यूजेज ऑफ हिडन टैक्स। बाय सेटिंग द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट टू द वैल्यू टू हिडन, अगर आप इनपुट टैग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसकी एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू आप हिडन स्पेसिफाई करेंगे दैट विल क्रिएट द हिडन टैक्स। इट इज़ पॉसिबल ट्रांसपोर्ट डिफॉल्ट और प्रीवियसली स्पेसिफाइड टैक्स दैट इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र टू हैंडलिंग ए प्रोग्राम। तो नॉर्मली ये यूज़ जो होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कोई प्रीवियस टैक्स जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की होगी वो ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप विच इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र टू हैंडल द प्रोग्राम या स्क्रिप्ट जो भी आपने जो है एग्जीक्यूट करना है उसमें आपके लिए ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी। इफ़ देयर आर मैनी वर्जन ऑफ सेम फॉर्म ऑल ओवर द वेबसाइट देन द हिडन टेक्स्ट कुड बी यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म केम फ्रॉम। तो अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं आपकी वेब पेजेस के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर देर आर मल्टीपल फॉर्म्स, तो हिडन टैक्स जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो कैरी करती है, फॉरवर्ड होती है और हमें पता चलता है कि ये वैल्यू जो है किस फॉर्म से जो है वो पास ऑन हुई है। तो बेसिकली मल्टीपल फॉर्म्स के लिए जो है जिसमें आप वैल्यू पास ऑन करना चाहते हैं फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यू विल यूज़ द हिडन टैक्स। तो इसको अगर हम देखें इसकी एग्जांपल या इसको क्रिएट किस तरह करना है, इनपुट जो है वो हमारे पास टाइप है टैग एलिमेंट है और टाइप हमने हिडन स्पेसिफाई कर दी, नेम आपने स्पेसिफाई करना है फॉर आइडेंटिफायर पर्पज़ के लिए और वैल्यू जो आपने इस हिडन टैक्स की स्पेसिफाई की है दैट इज़ फॉर्म वन बिकॉज दैट कैन नॉट बी अ सीन, सो दैट्स वाई वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है दैट वैल्यू विल बी असाइन टू द हिडन टैक्स, यूज़र कैन नॉट सीन और मॉडिफाइड दैट वैल्यू। बिकॉज दिस फील्ड इज़ नॉट शोन ऑन द वेब पेज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू मॉडिफाई इट, दस इट मस्ट हैव इट्स वैल्यू एट्रीब्यूट सेट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू जो है इस हिडन टैक्स को साइन कर दी जाएगी, ये वैल्यू यूज़र को विजिबल नहीं होगी और यूज़र इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, दैट्स वाई वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो सेट करना लाजमी है हिडन फील्ड के अंदर। When filling in a forms, there is often an issue of remembering information from one form to the next. अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं और आप फॉर्म्स फिलअप करते जा रहे हैं तो आपको जो इशू या प्रॉब्लम फेस होगी वो ये कि आप इंफॉर्मेशन रिमेंबर या याद नहीं रख सकते फ्रॉम वन फॉर्म टू नेक्स्ट फॉर्म। आप नेक्स्ट फॉर्म पे मूव कर जाते हैं तो आपको प्रीवियस फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो है वो याद नहीं रहेगी, दैट इज़ द इशू एंड प्रॉब्लम। इमेजिन अ फॉर्म इन विच यूज़र फिल इन हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन ए वन पेज एंड ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट। एग्जाम्पल या हम ये अज्यूम करते हैं कि एक फॉर्म है जिसमें यूज़र जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है वन पेज के ऊपर और ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट की ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर या नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास हाउ विल द टू पेजेस
डी आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों पेजेस के एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरह किया जाएगा, बिकॉज जैसे कि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन एक पेज के ऊपर है और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ द नेक्स्ट पेज, तो दोनों पेज कैसे रिलेट होंगे। दिस प्रेजेंट द स्टेट लॉस प्रॉब्लम। स्टेट लॉस प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, यानी कि इसका मतलब है कि HTTP सर्वर जो है नीड्स नॉट कीप द ट्रैक ऑफ एनी स्टेट इंफॉर्मेशन। HTTP प्रोटोकॉल जो है वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रखता, दैट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यानी कि द प्रोटोकॉल ऑफ द वेब HTTP डू नॉट सपोर्ट अ मेमरी, इन द अदर वर्ड दे डू नॉट प्रिजर्व द स्टेट, स्टेट को नहीं प्रिजर्व करता। HTTP प्रोटोकॉल डज नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द ब्राउजर और यूज़र, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो देयर इज देयर वॉज नो रिलेशन या स्टेट मेंटेन बिटवीन वन कनेक्शन एंड अदर कनेक्शन इवन फ्रॉम द सेम क्लाइंट। अगर एक क्लाइंट से ही डिफरेंट कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो दोनों के दरमियान में स्टेट मेंटेन नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ HTTP इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल, दैट इज द इशू। सो वन वे टू गेट अराउंड दिस इज़ टू यूज़ अ हिडन टेक्स्ट। इमेजिन दैट इन द लास्ट एग्जाम्पल, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी है, इस एग्जाम्पल को हम इमेजिन करते हैं और हिडन टेक्स्ट जो हमने यूज़ करना है तो वो इस एग्जाम्पल के अंदर बेहतर तौर पर वर्किंग करेगी। द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज पास टू द नेक्स्ट पेज बाई डायनामिकली इम्बेडेड इन इट इन द ऑर्डरिंग पेज एज ए हिडन टेक्स्ट, देन स्टेट हैज़ बीन प्रिजर्व। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो पेजेज हैं, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें हम इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि ऑर्डरिंग पेज है, एज ए हिडन टेक्स्ट के तौर पर, ताकि स्टेट जो है वो प्रिजर्व की जाए। स्टेट प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिकॉज ऑफ HTTP। HTTP जो है वो स्टेट मेंटेन नहीं करता, इसका मतलब है कि पिछली इंफॉर्मेशन जो है दैट विल बी अ लॉस और उसका हमें आइडिया नहीं होगा और ना हमें याद है, तो दैट्स वाई कि हम उसकी इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरे ऑर्डर पेज के ऊपर, और उसके लिए हमें हिडन टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन यूज़र आर फिनिश ऑर्डरिंग दे सबमिट द होल फॉर्म एट वंस एज ए कम्प्लीट ट्रांजेक्शन। जब तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, जस्ट लाइक ऑर्डरिंग फॉर्म भी कम्प्लीट हो जाएगा, तो यूज़र जब सबमिट करेगा इंफॉर्मेशन को, डाटा जो है वो फॉर्म का सर्वर के ऊपर सेंड किया जाएगा, दैट विल कंसीडर एज ए कम्प्लीट ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन उसको कंसीडर किया जाएगा। द आइडिया ऑफ यूजिंग हिडन टेक्स्ट टू गेट अराउंड द स्टेट लॉस प्रॉब्लम। तो ये हिडन टेक्स्ट बेसिकली सॉल्यूशन है स्टेट लॉस प्रॉब्लम जो कि HTTP प्रोटोकॉल की वजह से क्रिएट होता है, लिहाजा स्टेटलेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हिडन टेक्स्ट यूज़ करते हैं। इसको हम जो है एक डायग्राम के जरिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल देखी है, ये कैसे वर्क करेगा। जस्ट सपोज ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने जो है उसने ये फॉर्म फिलअप किया, दैट इज़ द फर्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन, नेम और आईडी जो है उसने इनपुट की, और ये इंफॉर्मेशन जो है सेंड होगी सर्वर को, दैट इज़ सर्वर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास क्लाइंट है, दैट इज़ क्लाइंट और दैट इज़ सर्वर। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन सेंड होगी, जो भी मेथड पोस्ट या गेट यूज़ किया है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है दैट विल बी अ पास ऑन टू द सर्वर। और नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप जो है ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डरिंग पेज है, नेक्स्ट फॉर्म जो है इसमें हमारे पास जो है पार्ट नंबर और क्वान्टिटी जो है दैट इज़ ऑर्डर जो यूज़र फिलअप करेगा, बट इस फॉर्म के ऊपर हमें जो फर्स्ट स्टेप था उसमें जो हमने इंफॉर्मेशन कंप्लीट फिलअप की थी वो हमें इस पेज पे रिक्वायर्ड है, ताकि हमें पता हो कि ये ऑर्डर किस यूज़र की तरफ से, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, तो वो हम हिडन टेक्स्ट के तौर पर पास ऑन करेंगे। और ये जो हमें दो फील्ड नज़र आ रहे हैं जो फॉर्म पे, दैट विल बी अ हिडन, ये यूज़र को नहीं नज़र आएंगे, बिकॉज हम समझने के लिए जो है इसको यहाँ पर विजिबल शो किया हुआ है, अदरवाइज दीज बोथ फील्ड्स विल बी अ इनविजिबल और ये डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे, बट इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी जो प्रीवियस फॉर्म के ऊपर यूज़र ने इनपुट की होगी। अब जब ये यूज़र इन सबमिट करेगा इस फॉर्म को, तो दैट इंफॉर्मेशन कंप्लीट
एज ए वन ट्रांजेक्शन के तौर पर सर्वर को पास ऑन होगी। तो देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर भी है, क्वांटिटी, यूज़र नेम और उसका आईडी जो है, दैट इज़ कंप्लीट ट्रांजेक्शन विच विल बी अ पास टू द सर्वर। तो ये इंफॉर्मेशन यूज़र जो है ना इसको मॉडिफाई कर सकता है ना हाइड कर सकता है। तो जनरल रूल ये हो गया कि यूज़ द फील्ड टू स्टोर एनी थिंग दैट यूज़र डज नॉट नीड टू सी। यूज़र को उस इंफॉर्मेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट यू वांट टू सेंड टू द सर्वर ऑन अ फॉर्म सबमिशन। लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन को सेंड करनी है सर्वर के ऊपर ऑन द सबमिशन ऑफ फॉर्म, जस्ट लाइक इस एग्जांपल के अंदर ये हमें रिक्वायर्ड थी ताकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, हमें पता चले कि ये पार्ट और क्वांटिटी किस यूज़र की तरफ से जो है वो इन जो है ऑर्डर जनरेट हुआ है। तो ये हमारे पास जो है हिडन टेक्स्ट और उसके यूजेस थे।